अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और हाँ, गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कुछ दिन से मेरी ब्रेकफास्ट रूटीन को मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं दोबारा से अपने ब्रेकफास्ट से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ सिंपल जो है ब्राउन ब्रेड है, और उसके साथ मैंने कबाब और अंडा जो मैं लेती हूँ मोस्टली लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आजकल ना मुझे थोड़े से क्रिस्पी से टोस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा बड़ा दिल चाहता है इनको खाने को। तो आप मुझे बताइएगा, आपको सॉफ्ट वाले अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी वाले अच्छे लगते हैं? वैसे मुझे तो आजकल ये कभी कभी अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और हस्बैंड का तो वही ब्रेकफास्ट होता है, वो चेंज नहीं करते, मैं थोड़ा सा आपको पता है डेली कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। और हाँ, आप सब ने मुझसे पूछा था कि मेरी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा। और स्टार्टिंग में ज़ाहिर है एक दो दिन थोड़ी तकलीफ़ थी, पेन ज़्यादा था, तो आपको भी फील हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल रहूँ, सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है हम और हो जाता है। और इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिला, इतनी ज़्यादा दुआएँ मिली हैं, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो अब ये है कि जो क्राउन लगना है अभी ऊपर, क्राउनिंग होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो स्टार्टिंग वाली जो तकलीफ़ थी ना वो बहुत बेहतर हो गई है, वो अब ठीक है। अब ये देखें कि अब जाती हूँ तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मैं भी ना ये फ़र्स्ट टाइम करा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप कमेंट्स करते हो, मुझे बताते हो, तो मुझे भी उसी से आइडिया होता है क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बस आपसे बातें करते करते मेरा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से बनाना, प्रेजेंट करना, चाहे अपने आप को ही हो तो क्यों ना मैं अपने आप को करूँ। अगर मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, खुश नहीं रखूंगी, तो फिर मैं बाकियों से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि कोई और मुझे आके खुश रखेगा। तो आप सब कहते हैं हमसे नहीं होता, हमसे नहीं किया जाता, कुछ कहते हैं, तो प्लीज़ किया करें, यकीन करें, इतने खुश होंगे, आपका अपना दिल खुश होगा। और जब आप ख़ुद खुश होंगे तो आप बाकी जो आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी फ़ैमिली है, आप उन सबको भी खुश रखेंगे। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, और मैं आप सबको यही सजेस्ट करती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपने डेली के जो काम होते हैं घर के वो मैं करती रही, और अब मैंने सोचा कि मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी जो ज्वेलरी की कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में चीज़ें दिखाती रहूँ, शेयर करती रहूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना, हम जिस तरह से ड्रेसेस शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपको देखना अच्छा लगता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है आप बोर हो जाएं, जस्ट एक मैं आपको बस दिखा ही रही हूँ। तो ये है मेरी जी ज्वेलरी, और ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो मैं लेती रहती हूँ। मुझे ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो है इयररिंग्स। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी नज़र हमेशा इयररिंग्स पे जाती है, जब कभी लेना चाहती हूँ तब भी इयररिंग्स लेती हूँ। इसमें कुछ हैं जो मैंने बिल्कुल अभी यूज़ भी नहीं किए, कुछ शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए हैं, कुछ वहाँ से आई थी तो मैंने दे दिए थे, कुछ ये मेरे पास अभी हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने रखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने दराज से मंगवाया था, और इसकी फुल डिटेल में मैं आपको रिव्यू भी दे चुकी थी, प्राइस सब कुछ बता चुकी थी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं दे दूँगी ऊपर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप देख लीजिएगा। और बैंगल्स मेरे पास कम हैं, और मैं कभी भी शायद नहीं लेती, या बहुत कम लेती हूँ, ये मोस्टली मुझे अम्मी लेके और अम्मी ही दे देती हैं। तो ये वाली जो मैंने राइट हैंड वाली पहनी हुई है ना, अभी हाथ में थोड़ी सी पहनी हुई है, और ये भी सब आप मुझे सब कहते थे कि हाथ खाली ना रखा करो, पहन लिया करो, तो मैंने ये बहुत लाइट सी पहनी हुई है। अदरवाइज़ ये होता है ना, मुझे हाथों में एलर्जी हो जाती है, काम करती हूँ ना तो उसके बाद फ़ौरन रेड हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा नहीं पहन सकती कुछ भी, चूड़ियाँ वगैरह इस तरह। और गोल्ड का भी इसलिए हम ज़्यादा तो ना पहनते हैं, ना घर में रखते हैं, आप सबको आइडिया होगा, तो इसलिए मोस्टली जब भी कहीं जाते हैं, सिवाय छोटी मोटी जो टॉप्स वगैरह इस तरह होते हैं, अदरवाइज़ तो यही चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। और ये भी मैं डॉलर शॉप से लाई थी, वो शुरू में जो आपको गोल्डन दिखाए हैं वो भी डॉलर शॉप से मैं लेकर आई थी, और ये इतने कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 200 के ईच, 200 रुपये में मैंने लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। तो अभी इनको पहनने का मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह मिलेगा तो ये पहनूंगी। मुझे ऐसे लगता है कुछ भी ना हो, बस मैं इयररिंग्स पहन लूँ, अच्छा सा मेकअप कर लूँ, तो हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है मेरी। और हाथों में पहनती हूँ, लेकिन अब काम ज़्यादा करती हूँ ना, पहले बहुत पहनती थी, लेकिन अब काम ज़्यादा करती हूँ तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा मुझे
हाथों की वजह से नहीं पहनती कि एलर्जी हो जाती है। और ये वाले जो हैं ये मैंने मरी से लिए थे, ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। और सारे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, अगर दिखाना अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है कि फिर मुझे पूरी एक अलग सी वीडियो बनानी होगी, जो कि इसमें तो अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ आपको दिखाऊं। तो बहरहाल ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास कलेक्शन कह सकते हैं आप, या मेरे पास हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं। अच्छा, अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। 4:30 का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं और मुझे भूख लग रही थी। चिकन मैंने बॉयल करके रख लिया था, हाफ मैं इसमें से डालूंगी। मुझे भूख लग रही थी, नाश्ता किया था, सुबह को किया था, फिर घर के काम, अपने एडिटिंग, ये सब कुछ लगा रहता है। और ये हाँ, जो कल मैंने तूरियां फ्रीज़ की थी ना, अभी मैंने ये भी निकाल के रख ली हैं। अच्छा, ज़्यादा देर तो मैं इनको बाहर नहीं रखूंगी, क्योंकि ना ये ब्लैक होना, काली होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैं अपना लंच करूँगी, उसके बाद जो है मैं फिर नमाज़ पढ़ने के बाद, और फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ ताकि टाइम पे बन जाए, और बहुत लेट करें तो फिर लेट हो ही जाता है। और आज क्या हुआ मैं आगे आपको ये भी अभी स्टोरी सुनाती हूँ, पहले मैं अपना लंच बना लूँ। और लंच में वही जो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रात को ये होता है कि हस्बैंड के साथ मुझे खाना होता है, दो लोग हैं, और ज़ाहिर है एक इंसान अकेला तो नहीं खा सकता कि मैं कहूँ कि नहीं मैं रात को भी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। तो अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी घर में बनता है वो मैं वही खाती हूँ, मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ। हाँ, नाश्ते में हो गया या लंच में मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लेती हूँ। फिर मैं रात में ये करती हूँ ना कि हस्बैंड के लिए भी बनाती हूँ, तो उसमें से ही जो कुछ होता है थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके, जितना भी होता है थोड़ा ज़्यादा जो कुछ भी है वो मैं खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड की नेचर इस तरह से है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि अकेला बैठ के मैं खाऊं या मैं ही खाता रहूं, तुम ना खाओ, कि दो ही लोग हैं और अलग अलग से खाएं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना फिर मैं रात के टाइम जो चीज़ भी बनाती हूँ ना मैं वही खाती हूँ, कुछ स्पेशल ऐसा नहीं होता कि मैं आपको दिखाऊं। और ये भी कुछ स्पेशल नहीं है, वही जो बनता है मैं हर बार शेयर करती हूँ। आज इसमें मैंने बॉयल्ड चिकन डाला है और उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली, और हाफ कप बॉयल्ड जो है वो मैंने स्पेगेटी डाली है, और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं था। और बाकी सॉसेज हाँ मैं चेंज करती रहती हूँ, तरीके चेंज करती रहती हूँ, उससे ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। और एक जैसी चीज़ खा के बोर हो जाते हैं ना हम सब, मेरी तो ऐसी नेचर है, आप में से बहुत सों की ऐसी नेचर होगी कि जो मेरी तरह बोर हो जाते होंगे जल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ हर चीज़ को। और ये मेरी बस आपसे बातें करते करते बन गई है, कंप्लीट हो गई है। तो आप देखें बहुत ही मज़े की और यमी बनी थी। और ये मुझसे ना ये भी पूरी नहीं खाई जाती, अच्छा खासा ये फुल कर देती है आपको। देखने में शायद लग रहा होता है कि सिर्फ वेजिटेबल्स हैं या इस तरह, लेकिन काफ़ी माशाल्लाह फुल कर देती है। रात के खाने तक भी ना फिर आपसे खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। और अभी शाम की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना बनाने। तो मैं बनाऊँगी अभी तूरियाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई भी है ना, इतना हब्स हुआ हुआ है कि सारा दिन जो है ना बस दिल बंद हो रहा होता है। घर के काम तो हम करते हैं, वो तो ये नहीं है कि कोई और आके करेगा, हम ही करते हैं, खुद ही मैं ही करती हूँ। लेकिन कुछ भी मैं शूट नहीं करती हूँ, कुछ भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि बस मेरा दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर लूँ मैं अपने। और एक यही रीज़न है कि इसलिए और कोई काम मैं शेयर नहीं कर रही, आजकल थोड़ी सी कुकिंग ज़्यादा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि किचन में आती हूँ ना तो उस टाइम जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। आपको देखना भी अच्छा लगता है, नए आइडियाज़ मिल जाते हैं थोड़े से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंसान ने सीखी हो। मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं आती, मैं भी जब कुछ देखती हूँ तो मुझे नया लगता है, मैं अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हूँ, तो इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ या ऐसा नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा आजकल कुछ शूट नहीं कर रही, इंशाल्लाह ताला अभी वेदर चेंज हो जाएगा फिर जो है वो रेगुलर जितने भी व्लॉग हैं और सब कुछ वो आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और आज का ड्रामा बताऊँ कि क्या हुआ हमारे साथ। एक्चुअली ना आज मेरे हस्बैंड आए उबर पे, और हुआ कुछ इस तरह कि
ज़ाहिर है इंसान थक जाता है, सारा दिन का काम होता है, माइंड इतना डाइवर्ट होता है यहाँ वहाँ। तो जैसे ही वो आए तो घर में आए तो मेरी तबीयत गर्मी से, और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी और गर्मी की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि मैं आज रोटी नहीं बना रही, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, आप प्लीज़ तंदूर से ले आएँ रोटी। और बहुत कम ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि मेरे घर रोटी बाहर से आए, बहुत कम ऐसे होता है, क्योंकि मुझे घर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं ये सोचती हूँ 3 लोग हैं तो मैं क्या बाहर किसी रोटी मंगवाऊँ, लेकिन आज बस हो गई थी मेरी, बर्तन भी काफ़ी सारे धोए, काम वगैरह करती रही, तो मैंने तंदूर से रोटी मंगवाई। और हुआ कुछ इस तरह कि उनका जो वॉलेट था ना वो उस उबर में ही रह गया। अब हम पूरा 1 घंटा वॉलेट ढूंढते रहे और समझ नहीं आई कि कहाँ गया है। उसके बाद हमने जो जिसमें आए थे उसको कॉल की, उसका नंबर था, तो अल्लाह ताला का वो कोई बहुत ही भला और अच्छा इंसान था। कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि अच्छे इंसानों की वजह से वाकई दुनिया कायम है। कि उसने जो है, पहले तो उसने कहा नहीं है, मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि आप उसे कहो कि एक बार तो देखे शायद होगा। तो जब उसने दोबारा फिर देखा और दोबारा कॉल की, उसने कहा जी है। तो उस टेंशन में, भाग दौड़ में, बस बिल्कुल ही माइंड जो है ना वो दिमाग ख़राब हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और तोरियां भी मैंने बस बना ली ऐसे ही भागते दौड़ते। और उसके बाद ना मैं बिल्कुल इसमें ग्रीन मिर्चें डालना भूल गई, हरा धनिया डालना भूल गई। और अभी फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उससे जब लेकर आए, वॉलेट रिसीव कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने कहा अब रोटी भी ले आए, तो फिर रोटी लेकर आए। और फिर मैं अब ऊपर ही बस हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल रही हूँ, और अभी हम खाना खाएंगे। तो आज ही हमारे साथ ड्रामा हुआ। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, जहाँ पे अगर बुराई है तो अल्लाह ताला के बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, जिनसे दुनिया आबाद है, जिनसे लोग खुश रहते हैं और जिनकी वजह से लोगों को खुशी मिलती है। अब आप यकीन करें, उसके बाद हम सब ने उसे, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे इतनी दुआ दी, और वो हाफिज़े कुरान था और बहुत अच्छा बंदा था। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता था कि कोई और होता तो दे देता। और सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ील हो रहा था ना, उसमें डेबिट कार्ड वगैरह कार्ड्स थे और आईडी कार्ड थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे। और ये है जी फाइनल लुक, बहुत अच्छी बनी थी, हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। और इसके बाद बस यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर जो है वो इस बॉक्स में डाल दूँगी, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, तो टिश्यू बॉक्स होता है वो वहाँ पे यूज़ होता है, इसको जस्ट टेबल पे कुछ गिर जाए हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए, मैं इस तरह बॉक्स में डाल के रखती हूँ, बुरा भी नहीं लगता और ये वाला बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। और इसके बाद जो है, बस अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए, बर्तन समेट लिए, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह हो गई है, तो अभी हम दोनों जाएंगे वॉक पे, और आज हम अच्छी सी वॉक करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बात नहीं होती कि इस टाइम करें उस टाइम करें, ना करने से बेहतर है कि करें तो सही, चाहे जिस टाइम भी करें। तो मैं इस टाइम जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड इस टाइम आते हैं, तो इसलिए हम ये वॉक करते हैं, और बहुत अच्छी सी वॉक करते हैं आजकल। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।